स्पॉन्सर्ड बाय बॉस पावर टूल। जो प्रोफेशनल टूल हम यूज कर रहे हैं वो है 18V400, जो कि 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कि बाइक हो कार हो सबका नट ये बिल्कुल चिपकियों में खोल या फिर टाइट कर सकता है विद प्रॉपर टॉर्क। बाइक का मैकेनिक अगर आप कार का मैकेनिक हो, ये वाला गन अगर आपके पास होगा जो कि बैटरी से ऑपरेट होता है, आप कोई भी नट हो जितना भी टाइट हो चुटकियों में खोल देगा, जिसका मैं आपको प्रूफ भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इन दिस रिव्यू फ्रॉम बॉस अनबॉक्सिंग कैसा इसका क्वालिटी है, माई एक्सपीरियंस, वारंटी कार्ड और कैसे आप टूल को किसी पर्पज से यूज कर सकते हैं, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग वीडियो। फर्स्ट यू विल गेट सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बॉस दैट इंक्लूड्स वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल ऑल्सो। इन टू द मेन कंपोनेंट बॉक्स विल गेट वन एक्स्ट्रा बैटरी दैट इज 5 एम्पेयर 18 वोल्ट, वन बैटरी चार्जर जिसमें आपका इंडिकेशन दोनों तरफ मिलेगा, लो बैटरी एज वेल एज फुल बैटरी के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। और यह है एक वॉल माउंटिंग चार्जर। दिस इज द मेन प्रोडक्ट दैट इज 18V 5 एम्पेयर बैटरी इंक्लूडिंग। और ये एक इम्पैक्ट गन जो कि यहाँ पे लॉक है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों फंक्शन के साथ आता है। और इस पे लाइट है और इट कम्स विद ब्रशलेस मोटर, जो कि इसके अंदर जो कार्बन रहता है ट्रेडिशनल टाइप में वो नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग चलेगा। और ये रबर कोटिंग के साथ आता है और बॉस आपको पता है बहुत बढ़िया कंपनी है। एंड लास्टली वील गेट सम क्लिपिंग्स जो कि यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। और इसका क्वालिटी भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। सिंपली इस होल में हमको पुट करना है, या फिर आप चाहे इसको अपने काम के लिए कुछ इस तरीके से पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, या फिर आप इसको पिल के हुक में फंसा दीजिए तो आप इसमें चलते टाइम इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। और इसको यूज़ करना इस तरीके से बहुत इजी हो सकता है। और जैसे इतना पावरफुल मशीन है, इतना पावरफुल इम्पैक्ट रेंज है, या फिर ड्राइवर है, इसके लिए स्पेशल टाइप का होल्डर आता है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। मैं अपने क्रोम वाला जो नॉर्मल रेगुलर आता है, ये क्रोम वाला आता है, इसके साथ मैं ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। इसका जो सॉकेट है देख सकते हैं, रेगुलर टाइप का सॉकेट। और ये मेरे पास है 19mm का सॉकेट, इसके अंदर डायरेक्ट फिटिंग हो जाएगा। तो रिकमेंडेड है स्क्रीन पे जो आ रहा है सॉकेट ब्लैक कलर का, वो यूज़ करो इस इम्पैक्ट रिंग के साथ, अदरवाइज ये इतना पावरफुल मशीन इसको ब्रेक कर देगा। जस्ट टेस्टिंग पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। और इसके अंदर अटैचमेंट्स भी बहुत सारा आते हैं, और इसको स्क्रू पूरा के हिसाब से एक अटैचमेंट आता है। इसको आप मल्टीपर्पज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और बॉस कंपनी आपको पता है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। तो नॉर्मली हम इस एल टाइप का सॉकेट का यूज़ करते हैं इस नट को खोलने के लिए। आपको पता है 220 का वाला एक्सल नट कितना टाइट रहता है, उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। अभी ये फुल टाइट है, तो नॉर्मली ऐसे काम करते हैं। भाई बहुत टाइट है, मतलब इसको मैंने इम्पैक्ट रेंज से टाइट किया था एक बार, खुल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट है। इसको मैं अभी नहीं खोल सकता भाई, बहुत टाइट है। इसको एक्स्ट्रा हैंडल की तरफ से करते हैं। अब जाके ये खुला, तो देख रहे हो इतना टाइम लग रहा है इस नट को खोलने के लिए। फाइनली इतने टाइम में हमने इसका जो नट है 22mm का इतना मोटा नट इसके तरफ से खोल दिया है, और मुझे इसका भी रिक्वायरमेंट पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट था। और इस गन का कमाल देखो, इसको हम फुल्ली टाइट करेंगे पहले इससे बिल्कुल जोर लगा के, उसके बाद देखेंगे खोल पाता है कि नहीं। ये हमने फुल्ली टाइट कर दिया है, ये हमने इसका सॉकेट लगाया। आप चाहो तो इसके एक्सटेंशन एक बाय कर सकते हैं। ये हो गया, बैटरी फुल है, इसको हम पहले खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमको ये वाला एरो दबाना पड़ेगा, अभी देखो खुलेगा। और ABR मोड के काम करते हैं, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ऑन करके एक बार खोलेंगे। विद इन सेकेंड्स ये वाला नट देख खुल गया। और ये हैमर टाइप का यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी नट बहुत ज़्यादा टाइट होता है उसके हैमर ड्रिल के टाइप की मदद से इसको ईजिली खोलता है। अभी टाइट करना बिल्कुल ईजी है, इसको हम इस तरीके से करेंगे। और इसको बिल्कुल विद इन ए सेकेंड्स इसको टाइट भी कर दिया। और अभी ये वाला जो 220 बाइक है, इसका जो फ्रंट एक्सल है वो भी बहुत ही टाइट रहता है, तो इसको हम चुटकों में लगाएंगे, व्हील खोलेंगे, मैं आपको सामने दिखाऊंगा, और इसको इसकी मदद से लगा भी देंगे।
खुल गया, ये नट पूरा खुल गया, उस साइड का जो एक्सेल देखो पूरा घूम रहा है, उस साइड का जो एक्सेल है उसको पकड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना इजी तरीके से खुल चुका है। और अभी ये देखो ये नट जो है लॉक हो चुका है, अब इसको प्रेस करेंगे ये हैमर मोड में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये धक्का देगा और इसको टाइट करेगा। देखो और ये में सिर्फ कितना पावरफुल है, इसके लिए हम इतना बड़ा सॉकेट कर देख सकते हैं, ये है 30 mm का सॉकेट। और खोलेंगे, पहले हम खुद खोलेंगे, ये हमने इसके अंदर लगा दिया सॉकेट, जब कितनी जल्दी ये खुलेगा। तो इसको हम रिवर्स में करते हैं, खुल गया भाई विद इन सेकेंड्स ये खुल गया। अब इसको हम कर देंगे इधर, जो कि अभी टाइट करेंगे हम, देखो हो गया टाइट। आपको टाइम बचाना है और आपका मेहनत कम लगे, नट वगैरह इजीली खुल जाए, तो इसके लिए आप ये ट्रेडिशनल इसको आप बाद में सेट कर सकते हैं और आप ये वाला टूल अपना सकते हैं, जो कि स्टाइलिश भी है और काम फटाक से कर देता है। कोई भी नट हो, चाहे कार का नट हो चाहे बाइक का नट हो, इससे हम 32-34 mm का जो नट है इतना बड़ा बड़ा उसको भी ये खोल देगा। और राइट, बात करें इस बैटरी चार्जर की, जैसे इसको पावर देते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। और बात करें बैटरी कैसे चार्ज करना है, यहाँ पे देखो बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, इसमें अगर हम ऑन प्रेस करेंगे तो इसमें दिखाएगा आपका बैटरी परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे फुल है देखो ग्रीन, तो तीनों लाइट जल रहे हैं मतलब फुल है, और दो नंबर पर मतलब 60% चार्ज बचा हुआ है अभी, और लो है तो ये वाला सिस्टम जलेगा। मैं सिंपली यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेस करेंगे और चार्ज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पे देखो बैटरी चार्ज हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जब इसका बैटरी बहुत परसेंटेज कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये डेंजर लाइट भी जल जाएगा, मतलब आपका बैटरी परसेंटेज बहुत ही कम है, तो इस तरीके से चार्ज करिए। और चाहे इसमें एक हुक दिया हुआ है, इसमें आप चाहे तो इसमें वॉल में इस तरीके से माउंटिंग भी कर सकते हैं। तो इट कम्स विथ डुअल बैटरी, जब आप एक बैटरी से काम कर रहे हैं तो दूसरा बैटरी को चार्ज पर लगा दीजिए, तो आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा और काम पर रुकावट नहीं आए। और बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि यहाँ पे आप ट्रिगर देख सकते हैं, ये वेरिएबल स्पीड के साथ आता है, जितना आप ट्रिगर प्रेस करेंगे उतना स्पीड इसका होगा। और ये M10 सॉकेट के साथ आता है, जो कि आपका किसी भी टूल में जो प्रोफेशनल टूल आता है उसमें डायरेक्ट फिटिंग हो जाए। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए इसका बैटरी वाला रिमूव करते हैं, तो हमारा टूल है कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें फिटिंग कर सकते हैं। और ब्रशलेस मोटर के साथ आता है, जो कि आपका मोटर कभी खराब ही नहीं होगा। तो क्वालिटी के हिसाब से बॉस को कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आता है। और अगर आप बात करें रिवर्स फंक्शन की, इसमें इस तरीके से करेंगे तो ये अभी नट को लूज करेगा। और यहाँ पे जो मोड है देख सकते हैं ABR मोड, ये ऑन हो चुका है, इसको हम ऑफ करते हैं, क्योंकि इस जो स्पीड है वेरिएबल का उसको बिल्कुल डिटेक्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले देखो ABR मोड ऑफ है, तो देखो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फंक्शन दिखाते हैं, जितना प्रेस करेंगे उतना स्पीड से आएगा। जब आपको नेट को फटाक से खोलना है तो आप ये वाला सिस्टम ऑन कर दीजिए ABR मोड, यहाँ पे देखो ऑन हो गया। अब थोड़ा सा ही प्रेस करेंगे ये फुल रिवर्स स्पीड में घूमे, मतलब तुरंत बोल्ट को खोल देगा। ये देखो थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये देखो ट्रिगर इसका काम ही नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा प्रेस करेंगे तो फुल स्पीड में घूम रहा है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ ABR मोड, इसको आप ऑफ करते हैं। तो लगभग ये 1.8 kg का है, 1.9 kg मान सकते हैं। और इसका सिर्फ बैटरी हटा कर देखते हैं, और इंडिविजुअल इस मशीन का जो वेट है, जो कि है अप्रॉक्स 1.28 kg, और सिर्फ बैटरी का वेट करते हैं। एक एक बैटरी बहुत भारी है भाई, मतलब 5 mAh की बैटरी मतलब आपका पूरा दिन चलेगा, दो बैटरी का यूज़ करेंगे। ये देखो बैटरी का वजन है 600 ग्राम। और राइट, बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ये सर्विस सेंटर का हिस्ट्री, मतलब कहाँ कहाँ पर सर्विस सेंटर है। मैं बोल रहा हूँ कोलकाता से, तो इसमें कोलकाता में भी इसका ऑथोराइज सर्विस सेंटर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो कोलकाता। और भी बहुत जगह पे इतना बड़ा लिस्ट सर्विस सेंटर का। इसके बाद ये है वारंटी कार्ड, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका वारंटी कैसे क्लेम करना है, इन इट सेल्फ इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारा मॉडल नंबर आता है, मैं जो यूज़ करूँ 18V 400 प्रोफेशनल, और इसमें 200 मॉडल नंबर भी आते हैं और 100 भी आते हैं। चार्जर का पुस्तक है, ये रहा कैसे इसको चार्ज करना है, क्या इंडिकेशन वगैरह है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बॉक्स पाएंगे हमें, देखो यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, जो कि मॉडल नंबर के साथ आता है। और बॉक्स ओपन करते हैं, आपका सील भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप पता चलेगा ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इस ईएमआई पे देख सकते हैं 44,900, जो कि इतना प्राइस आपको नहीं लगेगा। आप अमेजन का लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में। और ये जो प्रोडक्ट है देख सकते हैं मेड इन मलेशिया, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी है। टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे लॉग इन विथ माई बॉस ID, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, OTP देंगे, तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आप रजिस्टर टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो बॉक्स के ऊपर QR कोड है इसको क्लिक करके
कि इसका जेन्युइनिटी चेक करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट आपका जेन्युइन है कि नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन ले रहा है, देखो स्कैन ले लिया और देखो सेम प्रोडक्ट जो मेरा प्रोडक्ट है 18V, देख सकते हो कार्ड पर लिखा है 6 महीने बट कंपनी ने 1 ईयर का वारंटी दे रहा है, वो भी आप इस बी कनेक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मेरा ओपिनियन कैसा है। मेरा ओपिनियन पूरा सॉलिड है, कोई भी इसमें दिक्कत है नहीं। हाँ थोड़ा सा मशीन भारी है, हल्का सा भारी है बट पावरफुल भी तो है। जो बॉसकॉन का जो टूल है वो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको कार के काम सीखना है या अपना मोटरसाइकिल गैराज वगैरह है तो उसके लिए, अगर टाइम बचाना चाहते हो, प्रोफेशनल लेवल का काम करना चाहते हो, उसके लिए ये वाला मशीन 110% मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको इसको बाय करना है, इसका पूरा डिटेल्स बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ अमेजन का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, इसका प्राइस डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो अपने वर्कशॉप में मैं ये वाला बॉस का टूल गर्व के साथ ऐड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख लेंगे, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।